ये पूरी हरिद्वार की मार्केट है, भीड़ देख रहे हो तुम, गाड़ी मतलब निकल ही नहीं रही है, औखा हो रहा। तो भाई गुड मॉर्निंग, कैसे आप सब लोग, आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू ब्लॉग, यू आर वॉचिंग कुछ सिंगड़ा विद अनदर वीडियो। तो स्वागत है यार आपका हमारे नए ब्लॉग में। तो सबसे पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, बिकॉज तुम्हारा भाई अब निकल रहा है सीधा तुमको नेक्स्ट ट्रिप के लिए। अभी अभी फोन आया और मैं उठा ही था, उठते ही फोन आया कि ट्रिप पे चलो, मैं चलो भाई तुम्हारा भाई तैयार है। तो अब तुम्हारा भाई तुम्हें फिर लेके जा रहा है ट्रिप पे, अभी 11 बजे पड़े हैं। चाय मैंने एक बार पी ली, दूसरी बार पीऊंगा मैं मासी घर, ठीक है, तीसरी बार में मैं गायब, समझ रहे हो। तो भाई चलो ट्रिप पे चलो, कैसे कैसे कैसा लग रहा है, तो चलो फिर अब चलते हैं ट्रिप पे। एंड पहले मामा मासी को पिक करते हैं, अब तो मामा भी मेरे साथ जाएंगे यार ट्रिप पे, यार मामा भी जाएगा। तो गाड़ी कर लेते हैं स्टार्ट, पहले सबसे पहले गाड़ी स्टार्ट कर लेते हैं। आप भी चलोगे, आपका क्या करोगे आप, कहाँ ले जाता, कहाँ अच्छा मैं पूछता हूँ फिर चलता हूँ तेरे को ले चलता हूँ। तो बताओ भाई लोगों को चलना है चीकू को लेके, हैं चलें, चल पड़ते हैं यार चीकू को लेके, क्या दिक्कत है, पर मम्मी अकेली रह जाएगी यार, दिक्कत ये है। अभी गाड़ी को रखी है गंदी, करते हैं गाड़ी स्टार्ट एंड वेट टू नेक्स्ट ट्रिप, चलो फिर। आइए क्या बात है दिंगड़ा साहब, लोग तो घूम ही जा रही है ब्रो। आज ये पता कहाँ होगी, कहाँ 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 का देखना चाह रहे हो, तुम्हें थंबनेल लगा के तो पता लग गया होगा थंबनेल से कहाँ जा रहे हैं हम जा रहे हैं हरिद्वार, ठीक है। जय होगी गाड़ी स्टार्ट और अब चलो, इसको थोड़ी गर्म हो जाए, आ जा अंदर आ जा, बाय बाय कान्हा जी, ठीक है हम चले। तो बाय बाय, चीकू भी हमारे साथ जा रहा है आज, ठीक है मम्मी बाय, मॉम बाय, लव यू बेटा, मम्मी तू अकेली रहेगी यार, तू अरे तू मेरे अकेले पन चल ठीक है, हां जुग जुग जी हो, मैं जा रहा बढ़िया उम्र हूं तो आरिया, हंसते हंसते जाओ और हंसते हंसते आना मेरे बच्चों से, फ्राइडे सैटरडे अपन घूमने निकल जाते हैं, कर दी चाय, बाय बाय बाय, चलो हम जा रहे हैं, माफ करना फिर बुलाना, जय हो। तो अब चलते हैं भाई, गाड़ी कर लिया मैंने कंप्लीट स्टार्ट, तो लेट्स गो ट्रिप के लिए निकलो, चले चलो सबसे पहले जाएंगे यमुनानगर, विशु को पिक करना वहां से, चलो फिर ये बॉय भी ऐसा है, हाँसी हम पहुंचने वाले हैं, ठीक है चिकू कर रहा है यहाँ पे मौज मस्ती, इसको कह रहा है मेरे को नींद आ रही है, और मामा ने चलो मना करा था इसको लाने के लिए कि इसको मत लाइयो ये तंग करेगा, पर मैं फिर भी ले आया हूँ अपने रिस्क पे। अब ये पता नहीं सारी ट्रिप पे तंग करेगा या नहीं करेगा, कुछ नहीं पता, पहली ट्रिप है मेरी इसके साथ इतनी लंबी, ना फर्स्ट ट्रिप इतनी लंबी ट्रिप है, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता, बाकी चलो होप सो, चलो पहुँचते हैं मामा और अपना, चलो और मामा को उठाते हैं, खाना भी आएगा इनको उठा के, चलते हैं वे टू यमुनानगर और वहां से उठाते हैं फिर विशु को, चलो। राफ्टिंग नहीं करनी बेटे, तू तू कौन है राफ्टिंग करेगा, ये देखो राफ्टिंग करने की कह रहा है बे, देख रहे हो तुम लोग यार, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो फटाफट, तुम्हारा भाई फिर ट्रिप पे चला तुमको लेके, चलो जल्दी जल्दी करो, जल्दी से 2 सेकंड में करके आओ यार प्लीज यार, रिक्वेस्ट है कर दिया करो। क्या तुम्हारा भाई मासी घर मेम टू सोया पड़ा है हमारा, ये देखो हेलो मेम टू, ये देखो कौन आया, हेलो जी वही गए हम मामा घर, अभी मामा को पिक करते हैं यहाँ से, ये मिल गए दोनों, तीनों मिल गए, तीतू है परी और से मिल तो ले कन्ना से, हेलो बेटा कैसा है, हेलो मेरा बेटा कैसा है, हाँ भाई मम्मी कैसे हो, मेरी मलाई ठीक है माँ, पीछे पीछे मेरा बच्चा क्या हो गया, तो ये सारे आ गए अभी मामा आने वाले हैं, चलें रेडी चलो, ठीक है माँ बाय बाय, ठीक है जी बेस्ट ऑफ लक, चल कान्हा चले। तो अब चलते हैं यहाँ से और वहाँ से पिकअप कर लेते बेटे, ए परी ताली ऐसे हाई फाई करियो, एक बार और आइए भाई, झलक भी आ चुका है, झलक का बैग पैक हो चुका है और अब हम चल रहे हैं लॉन्ग ट्रिप पे, क्या हाल है बच्चों कैसे हो तुम दोनों, चल रहे हो हैं क्या बात है, ठीक है मिठू बाय बाय, हाई फाइव ब्रो, हाई फाइव, हाँ हाई फाइव ब्रो, हाई फाइव ब्रो, हाई फाइव, आइए लौंडे चल रहा तू मेरे साथ क्या बात है।
तो भाई बस अब यहाँ से निकल रहे हैं और रास्ते में से पिकअप करना है यमुनानगर से विशु को, और लवी भी साथ में जा रहा है, वो बुआ के लड़के हैं यार, तुम नहीं जानते हो तो मैं तुम्हें दिखा दूंगा। तो बस ये हो गया बैग पैक, झलक निकाल लिया, चले चलो फिर चल, ठीक है चले झलक, ठीक है रेणु जी, मास्टर जी है ठीक है रेणु, शक्ल तो दिखा है मैं नहीं, शक्ल शक्ल दिखा के बाय कर, ये ले पकड़ झलक, चल ठीक है बाय बाय, ठीक है मिंटू बाय ब्रो, मिलते हैं दो आप अभी कंप्लीट, इसको पूरी भर देना जड़ तक है ना, तो अभी डलवा लें डीजल कंप्लीट फुल करा लें इसे हैं, मीटर देख लिया ब्रो, लो भाई ये हो चुकी है फुल, और चलते हैं अब सीधा ऋषिकेश, नहीं सॉरी ब्रो ये हरिद्वार फिर देवप्रयाग, भाई कंपनी ने इसके लिए डीजल जो वो है टंकी उसकी फिटिंग दे रखी है 45 लीटर, ठीक है इसमें तेल आ चुका 53 लीटर ब्रो, समझ रहे हो 53 लीटर और 45 लीटर कंपनी बताती है इसमें तेल आएगा, देख ले भाई कंपनी क्या बताओ मामला, पागल बना हुआ है भाई कंपनी, भाई 56 लीटर तेल आ गया देख लो 56, और ये देख लो ये अभी भी इसमें 4-5 लीटर और आ जाएगा, 45 लीटर की कंपनी फिटेड काम है इसका, लुल है भाई ये तो, ये तो बर्बाद कर दिया, ठीक है भाई साहब धन्यवाद, हो गई है भाई टंकी फुल, फुल तो कहाँ हुई है अभी बहुत तेल आता, बाकी अब चलते हैं छोड़ो, तुम्हारा भाई चला है यार कहाँ पर, हरिद्वार ऋषिकेश देवप्रयाग, मुख वेख्या रूह ही आ दीवानी अखां विच। ये देखो बस पे कौन सा नंबर लगा है, ध्यान से देखो क्या नंबर लगा है बस पे, 0001, और लोग इनकी 22-22 लाख रुपए बोली लगा रहे हैं यार, समझ रहे हो, लोग बस पे लगा दे रहे हैं, बताओ जिसमें सवारियां ढोते हैं उस बस में 0001 लगे हैं भाई, समझ रहे हो तुम हरियाणा कैसा है, बाकी बस अब हम पहुंचने वाले हैं यमुनानगर, यमुनानगर पहुंचते हैं विशोर से मिलते हैं, वहां पे कुछ खाते हैं थोड़ा बहुत चाय वगैरह पीते हैं और फिर वहां से निकलते हैं यार, और इसका एसी ठस हो चुका है भाई, एसी की सर्विस करानी है इसकी, एसी बिल्कुल लुल हो चुका है इसका एसी, तो काम कराना पड़ेगा, ठेका शराब देसी अंग्रेजी, इसी को चाहिए तो यहाँ से ले लो ब्रो, ठीक है बाकी आधा घंटा लगेगा, आधा पौना घंटा, आधे पौने घंटे में हम पहुँच जाएंगे विशु के पास, मामा और रखे तंग देख लिया, छोड़ो आज ज़्यादा मत देखो आ गए हम, अरे ये वो बन गया ना घर बन गया ना, ये पीछे यहाँ से आते थे, ये रहा इस साइड से आते थे, ये रहा ये घर बन गए यहाँ पे सारे, चलो वापस आ गए हम यमुनानगर बुआ के घर, नाइस कूल, घंटी के घर अपना है, घंटी क्यों बजाने, ये लो भाई कैसे हो, हम फिर आ गए ठीक है ये कचोरी ढोकला और भी बहुत कुछ है तो ये खा लेते हैं थोड़ा थोड़ा और फिर चलते हैं सीधा हरिद्वार की तरफ, कोचिको कैसे देख रहा है अभी है भी चिको, ठीक है तू ये बागी हमारी चाय, चाय पी लेते हैं और फिर हम निकलते हैं यहाँ से, सभी चाय पी लें भाई, अब हो गया मैं तैयार, विशु भी बैग पैक करो और फिर हम निकलते हैं यहाँ से, चले भाई उस भाई निकले हम यहाँ से, बाय बाय ब्रोज, चलो चलते हैं मिलते हैं सीधा हरिद्वार, विशु को भी ले लिया यहाँ से हैं, चले खुशी से ना देख लो, तुम नहीं आए मिलने हमसे, हम जा रहे हैं ठीक है बाय बाय, चिकू भी आया था खुशी से ना, 100 किलोमीटर रह गया भाई हरिद्वार, सिर्फ 100 किलोमीटर, तो आज शायद लोग थोड़ा सा लेट आएगा, 11-11 बज जाएगी, देखते हैं। तो भाई यहाँ से हरिद्वार आया भाई, एक टोल आया, ये आ गया दूसरा टोल, और इसके बाद हरिद्वार रह गया 50 किलोमीटर पूरे पूरे, नहीं,
पहले आया ब्रो एक टोल कटा अभी जो आप यमुनानगर से चले हैं इसमें देख लियो बैलेंस भी है कि नहीं देखिए गाड़ी वाला ने बड़े लूला है यार हाँ हाँ सब कुछ है ब्रो देख लो हरिद्वार की भीड़ हमारे लेफ्ट में है गंगा मैया आज यहाँ रुकेंगे कल निकलेंगे यहाँ से अच्छी अच्छी जगह तीन चार जगह जाना है कल तीन चार जगह आपकी आपको तो बिठा के जाना ना हमने आपने राफ्टिंग करावांगे भीम ने यहाँ पे भाई ये देखो अच्छी जगह है भीम ने यहाँ पे गोड्डा मार के जल निकाल दिया था वाह जब ही इसका नाम भीम गोड्डा नाइस ब्रो तो ये देख लो भाई कितनी भीड़ है ना बहुत ज़्यादा भीड़ रख गया है ये वापस जा रहा था ब्रो बाइक वाला भी नहीं जा पा रहा औखा हो गया यार इनका बहुत औखा हो गया ब्रो गलत हो गया सीन चलो कैसे ना कैसे लुल्लू है गई पता नहीं क्या है यार ये क्या ये देखना यार कैसे घुसा रहा है बीच में यार देखना मार मैं मार उसके और क्या करेगा ये पूरी हरिद्वार की मार्केट है भीड़ देख रहे हो तुम गाड़ी मतलब निकल ही नहीं रही है औखा हो रखा है यार रश ही रश है जी ये देख लिया बाहर जाके चलो अब अंदर आ जाओ ज़्यादा नहीं देखना तुम्हें ये देखो बस और देखना कुछ नहीं है भाई देखने दोगा बहुत भीड़ है हर की बॉडी भी चलते हैं फिर देखते हैं क्या सीन है क्या नहीं जाने दे रहे यार लोग तुम्हारा भाई आंड्रे हरिद्वार की गलियों में ठीक है आप पहुंच चुके हैं हरिद्वार और मिलता हूँ कल नए व्लॉग के साथ इस व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड जिसको अच्छा लगा लाइक कर देना जो चैनल पे नया प्लीज सब्सक्राइब कर देना बाय बाय टेक केयर करते हैं इस व्लॉग को एंड बाय रात को 12 बजे हैं और अब हमारी रोटी पैक हुई है ये भाई पैक कर रहा है यहाँ पे और किसी भी होटल पे हरिद्वार में किसी भी होटल पे जगह नहीं है भाई खाना खाने की और वेटिंग है दादा पौना पौना घंटा की बहुत वेटिंग है यार भाई ने बड़ी मुश्किल से रोटियां पैक करवाई हैं सब्जी हमारे पास थी तो होप सो सब कुछ हो गया है अभी पैक चलते हैं प्याज डाल दिए थैंक यू सर हाँ भाई चलें होगी रोटी पैक ओए आजा